हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेमास किचन स्टूडियो में। आज हम बहुत ही यम्मी और हेल्दी रेसिपी देखने जा रहे हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग। स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ पे 7 to 8 अच्छे से वॉश करके क्लीन करके ली है। मेरी स्ट्रॉबेरी जो है वो साइज में थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए क्वांटिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया। अगर आपकी छोटी है तो आप 12 से 13 ही ले सकते हैं या 14 तक ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद हो। फिर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं गुड़ की पाउडर यानी कि जैगरी की पाउडर और थोड़ा सा मिल्क। जितने लोगों के लिए हम लोग मिल्क शेक बनाने हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर मिल्क लेना है, या यहाँ पर आप लोग मिल्क या पानी हाफ हाफ करके लिए भी ले सकते हैं। आपका जो मिल्क शेक है थोड़ा सा पतला हो जाएगा। फिर स्ट्रॉबेरीज मैंने वॉश करके अच्छे से ली है, फिर उसको चॉप करके हम लोग मिक्सर की जार में डाल देंगे, या आपके पास जूसर है तो उसमें भी चला सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज फ्रेश थी, स्वीट थी, इसलिए मैंने जैगरी की पाउडर बस 1 चम्मच डाला है और मिल्क अपने हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से हम डालेंगे और मिक्सी में इसको चला देंगे। फाइन ऐसा जो हमारा मिल्क शेक है बनके पूरा तैयार हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हमारा ऐसे टेक्सचर में, ऐसी कंसिस्टेंसी में हमें मिल्क शेक रेडी करना है, ताकि पीने वालों को थोड़ा सा गाढ़ा भी न लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे। और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए हम लोग ऐसे स्ट्रॉबेरी को बीच में से एक स्लाइड सा कट करेंगे और ग्लास के ऊपर ऐसे लगा देंगे। देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा और वो खुशी खुशी एंजॉय करके ये स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक, खासकर के बच्चे, जल्दी से फिनिश कर देंगे। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।